हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को एक और आप लोगों की समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ, जो है आप सिर्फ अपनी डाइट प्लान को चेंज करके इतनी सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं कि जिस भी परेशानी से परेशान हैं आप, वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आप सिर्फ अपना डाइट प्लान अगर चेंज करते हैं तो आपका जो थायराइड है वो कंट्रोल हो जाएगा। आपको अगर जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, इनमें से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आयुर्वेद में लिखा भी हुआ है कि यदि आप अपने भोजन को अपने शरीर के अकॉर्डिंग ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और अगर आपको कोई बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आगे चल कर के बीमारी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो शाकाहारी भोजन करना चाहिए। देखिए, मांसाहार ग्रहण करते हैं लेकिन बीमारियों में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मांसाहार को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल तौर पर अगर आप छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, गले में जलन होती है, छाती में जलन होती है, खाना खाते ही आपका पेट फूल जाता है, तब आप शाकाहारी भोजन करके आप अपनी जो बीमारी है उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप शाकाहारी भोजन कीजिए। दूसरी चीज़, जीवित भोजन कीजिए। अब जीवित भोजन से मतलब आप ये नहीं है कि आप शाकाहारी भोजन कीजिए, मांसाहार मत कीजिए। जीवित भोजन से मतलब है कि ऐसा भोजन जिसको अगर आप ज़मीन में बोते हैं तो वो रिप्रोड्यूस हो जाए, यानी कि दोबारा से उग जाए। अब इसका एग्ज़ाम्पल, इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि देखिए, अगर आप बिस्किट, मैगी या कुरकुरे या पास्ता, इनको किसी भी चीज़ को ज़मीन में अगर बोते हैं तो क्या ये वापस से उगेंगे? नहीं उगेंगे ना। तो उसी तरह से अगर आप गेहूँ, चना, मक्का, मकई या किसी भी तरह के स्प्राउट्स ये खाते हैं, तो अगर आप इन्हें बोते हैं तो वापस से आपको वही फसल मिल जाएगी। तो इसलिए हमेशा ऐसा भोजन करना चाहिए जो कि रिप्रोड्यूस हो सके, कि ज़मीन में अगर आप बोते हैं जिसको तो वो वापस से उग जाए। तीसरी चीज़, आपको अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। देखिए, कोई कहता है कि दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए, कोई कहता है 3 बार खाना खाना चाहिए, या कोई कहता है कि थोड़ा थोड़ा सा करके भोजन बार बार करना चाहिए। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आपको आखिरकार भोजन कैसे करना चाहिए। देखिए, भोजन कीजिए आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग। अब वो कैसे जानेंगे? देखिए, अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी जठर अग्नि तेज होती है, यानी कि जो उनका आमाशय होता है उसमें अग्नि तेज होती है, तो उन्हें भूख जल्दी जल्दी लगती है, तो उन्हें अपनी भूख के अकॉर्डिंग खाना खा लेना चाहिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी भर के पेट खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा जितनी भी आपको भूख होती है उससे आधी रोटी कम खानी चाहिए ताकि पचने में आसानी हो। वात और कफ, इस प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें भूख थोड़ी सी कम लगती है, तो उन्हें अपनी अकॉर्डिंग भोजन करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कभी भी ना करें कि भोजन का टाइम हो गया तो आप टाइम के अकॉर्डिंग भोजन खाएं। नहीं, आपको अपने शरीर के अकॉर्डिंग भोजन खाना है। अगर आपको भूख लगी है तो भोजन करिए, भूख नहीं लगी है तो भोजन बिल्कुल भी ना करें। तीसरी चीज़ है, अपने प्रदेश के अकॉर्डिंग भोजन खाएं। यानी कि अगर आप साउथ में रहते हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग भोजन खाएं। अगर देखिए, जैसे अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ पर सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ में आता है, तो आप वहाँ पर सरसों का तेल यूज़ करें, ना कि नारियल तेल। अगर आप केरला में चले जाते हैं तो वहाँ नारियल तेल का प्रयोग होता है,
तो इसलिए प्रदेश के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए। साउथ में क्या चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, फर्मेंटेड चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं। केरला में नारियल तेल, नारियल पानी, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए आपको। तो इसलिए अपने प्रदेश के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए। दूसरी चीज़, मौसमी खाना खाना चाहिए। मौसमी खाने से मतलब है फल मौसमी नहीं, जो उस मौसम में फल आ रहे हैं, यानी कि अगर सर्दियों में सिंगाड़े आते हैं, सर्दियों में मूली आती हैं, तो जो सर्दियों में फल आ रहे हैं वो सर्दियों में खाइए, और जो गर्मियों में जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, ये चीज़ें गर्मियों में आती हैं तो ये चीज़ गर्मी में खाइए, क्योंकि आज के टाइम में तो 12 महीने, मतलब जो साल के 12 मास होते हैं उनमें सभी फल मिल जाते हैं, लेकिन वो नुकसान देते हैं, तो मौसम के अकॉर्डिंग ही फल और सब्जियां खानी चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। थैंक यू।